जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमने प्रार्थना किया और जवाब नहीं मिला देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वेन यू प्रे थिंग्स डोंट टर्न आउट द वे यू प्रे एंड अ नॉर्मल रिस्पॉन्स इज एंगर अ नॉर्मल रिस्पॉन्स इज विड्रॉल नॉर्मल रिस्पॉन्स इज आई डू एनी थिंग विथ इज ए निमोर और यू कैन बी ए सुपरफिशियल क्रिश्चियन और ए प्लास्टिक क्रिस्टियन से नो प्रॉब्लम आई हैव नो प्रॉब्लम नहीं मैं तो बहुत मजबूत विश्वासी, तो विश्वासी कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं नंबर वन यू हैिविंग इन अ ब्रोकन वर्ल्ड मैंने शब्द को पहले बोल दिया हम जिस संसार में जी रहे हैं वो गिरा हुआ पतित संसार है पाप इस पर हुकूमत कर रहा है पाप शरीर पर ही नहीं लोगों पर ही नहीं परिस्थितियों पर ही नहीं सृष्टि के ऊपर भी पाप प्रभाव डालता है रोमियो की पत्री आठ अध्याय के अंदर अगर आप पढ़े आपको मालूम है सृष्टि करहा रही है कुछ सप्ताह पहले इस पर संदेश प्रभु ने दिया था सृष्टि करहा रही है करहा रही है पोल्यूशन पोल्यूशन तो अभी अपन बोल रहे हैं लेकिन मानव जाति के मानव समूह के जिसके अंदर मेरे और आपकी सूची भी है सृष्टि करहा रही है ब्रोकन वर्ल्ड है और जब तक हम इस ब्रोकन वर्ल्ड के अंदर सिनफुल सिस्टम के अंदर पाप से भरी हुई दुनिया के अंदर हम जीते हैं हम याकूब जैसे एलिया के लिए लिखता है हम यही कह सकते हैं हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, कभी खुशी होती है तो आनंद होता है तो कभी निराशा होती है लेकिन मुझे और आपको सीखना है कि यह सारी एक प्रतिक्रिया मात्र है ठहरने वाली परिस्थितियां नहीं है और जब आप इस प्रतिक्रिया है आप समझ जाते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं चूंकि मैं पाप में संसार में हूं चूंकि मेरी हालत चारों तरफ ऐसी है शायद जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो तो भी थिंग्स में नॉट टर्न आउट द वे आई वॉन्ट थिंग्स turn नॉट टर्न द वे आई सी I आई for फॉर I आई and I आई गेव I आई बिलीव is इज अ पॉसिबिलिटी बट is इज but बट means उटेट ऐसा क्यों है परमेश्वर कायम नहीं है क्या उसका इस सवाल का जवाब ये शायद खुद हमें आगे देगा लेकिन सवाल है प्रभु मेरे मेरे न्याय की तुझे कुछ चिंता नहीं है क्या प्रभु है मेरी आप सबकी सुन रहे हो मेरी नहीं सुन रहे हो आप तो याद रखिये रिमेंबर वी आर लिविंग इन ब्रोकन वर्ल्ड ओके एक्सपेक्टेशन फेल ड्रीम्स क्रैश होप्स Those पीपल डिसीव trusted, आप जिस पर भरोसा करते थे हो सकता है वो गायब हो जाए एकदम गायब हो जाए और आप कहें अरे इन्होंने तो अभी तक तो बोला था मेरे को लेकिन एक और चीज है आपकी बाइबल जो है ना इन चीजों को छुपाती नहीं है

मैं मैंने उसको स्क्रीन पर आपके लिए डाला है द रियलिटी ऑफ द साम्स दैट मीन्स मैं इसको इस प्रकार बोलता हूं बाइबल आपकी निराशाओं से डरती नहीं है इसके विपरीत बाइबल ऐसा भी प्रेरित करती है कि सै दायरे के अंदर इन ट्रू डिमेंशन यू आर अलाउड इवन टू लैमेंट आप विलाप आपको विलाप करने की भी अनुमति है आपको विलाप करने की भी अनुमति देखिए मेरे साथ भजन तेरा निकाली भजन तेरा मैं आपको एक छोटा सा अध्ययन उसमें करवाता हूं उसमें उसके बाद अपन ये शायद छालीस के अंदर लौट कर आएंगे भजन तेरा देखिए और मैं आपको बोल दूं 150 भजन है 150 भजन के अंदर एक तिहाई एक तिहाई समझ रहे हैं आप लोग एक तिहाई विलाप के भजन है प्रभु तू देखता नहीं है क्या प्रभु ऐसा हो रहा है प्रभु वो वैसा कर रहे दुष्ट पनप रहा है वो ऐसा हो रहा है लेकिन उसकी उसकी मिस्ट्री आप देखिए भजन तेरा मुझे एक संदेह में भी खोल रहा हूं आप खोल रहे हैं केवल स्क्रीन पर ही देखते न रहे कौन कौन जुड़ा है आप जुड़ गए प्रभु जुड़ गया अब वचन की ओर देखिए भजन तेरा हे परमेश्वर हुँ? कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा तू कब तक मुझसे अपना मुखड़ा छिपाए रहेगा मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहा How How long will I keep imagining? How long will will I I keep keep imagining? thinking that one day, one day, day we ंग आई कीप इमेज not today. This is the dream reality. है hey, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल हुआ करेगा या प्रबल रहेगा तीसरी आयत हे मेरे परमेश्वर हो वह मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे मेरी आंखों में ज्योति आने दे नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी खुलकर बात कर रहा है साहब खुल के बात कर रहा है मेरी आंखों में ज्योति आने दे नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी चार आयत ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगू तो मेरे शत्रु मगन हो जाएं ऐसा ना हो कि वो लोग खुश हो जाएं देखो हमने जो सोचा वही हो गया लेकिन पांच आयत में भजनकार क्या कहता है शुरू तो विलाप से करता है लेकिन अंत विलाप में नहीं करता है। पांच में कहता है परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है हो, हो मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होता है होगा मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है मैं मेरे परमेश्वर का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है विलाप करने वाले भजनकार विलाप करने वाले संत को अनुमति है कि परमेश्वर के सामने अपना अपना रोना वो रोए लेकिन जब वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है प्रभु के चरणों पर बैठता है अपने बोझ को उसके चरणों पर रखता है तो उठने से पहले परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश ऊपर उस पर चमकाता है और अब वो जब खड़ा होता है प्रभु की महिमा से भरकर वहां से वो खड़ा होता है संसार के पास ये आशा नहीं है संसार के पास ये वेरिएबल नहीं है प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो वेरिएबल की बात करते हैं नया वेरिएबल डालो वेरिएबल डालोगे उसको आप और उसको आप मैनिपुलेट करो संसार के पास आशा रूपी वेरिएबल नहीं है लेकिन मेरे पास और आपके पास जो यीशु के नाम को लेते हैं हमारे पास ये वेरिएबल है और यह वेरिएबल नहीं कॉन्सनेंट है यह टिकने वाला है अडिग है बदलता नहीं है परिस्थितियां बदल जाए लेकिन परमेश्वर की करुणा परमेश्वर का हैसेद परमेश्वर की दया परमेश्वर का परंपरा प्रेम बदलता नहीं है इसलिए विलाप करने वाला भजनकार इसलिए विलाप करने वाला संत इसलिए विलाप करने वाली बहन इसलिए करहाने वाले भाई अकेले रहने वाले पुरुष नौजवान तू सोच रहा मेरे भविष्य का क्या होगा तू विलाप कर सकता है तू निरंतर विलाप नहीं कर सकता क्योंकि तुझे प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है